में जैसे नेक्सा और अरीना हो गए ना, मतलब मारुति दो पार्ट्स में होगी, जापान में भी सेम है। ये देखो ये अरीना है, नेक्सा होगी मे बी और कहीं पे। सो गुड मॉर्निंग सभी भाइयों को, स्वागत आप सबका इस नए व्लॉग में। आशा करता हूँ सारे भाई राजी खुशी मौज में होंगे, ठीक है। और भाई अपनी जॉब की छुट्टी हो चुकी है, सुबह के 6:30 के अराउंड का टाइम हो रखा है, ठीक है। ये इधर मारुति सुजुकी अरीना। ओके सो भाई अभी चल रहे हैं घर की तरफ, और ये दूसरी कंपनी का शोरूम है सुबारु। ओके और चांद दिख रहा है उधर आसमान में अभी भी थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल। सो भाई अभी आज का दिन, अभी तो स्कूल की छुट्टी है यार, तो कुछ इंटरेस्टिंग हो ही नहीं रहा, लाइक सारे दिन ऐसे बोरिंग वे में निकल रहे हैं, है कि नहीं। तो कुछ है ही नहीं यार, जॉब पे चले जाओ सारी नाइट की शिफ्ट है। और ये देख लो भाई धुआं उड़ान लग रहा है, ये देखना ये सिस्टम है भाई का भी, ताऊ जी का सिस्टम है, तवाई उठा रखी है। सो भाई ऐसा कुछ है ना, अभी स्कूल की छुट्टी हो रखी है और कुछ काम है ही नहीं, बस जॉब पे जाओ सारी नाइट की शिफ्ट लगवा ली मैंने, जॉब पे जाओ आके सो जाओ एंड दैट्स ऑल। तो और कुछ करने को है ही नहीं यार, फिर क्या करें दिन में अपने सो जाते हैं। अब एक अपने जानने वाले आ रखे हैं जापान, सो वो आज शाम को फूजी सान जा रहे हैं, मतलब माउंट फूजी जा रहे हैं। सो कह रहे थे चल साथ में, वो जापान नहीं आए थे इंडिया में, तो उस टाइम पे भी कह रहे थे कि उस तारीख के अराउंड चलेंगे, मगर ठीक है उस टाइम पे जो मैंने इतनी जॉब नहीं पकड़ी थी, अब तो सातों दिन पकड़ ली ना। सो अब उनका फोन है, मजा अब तो मैं बिजी हो गया यार, चल पड़ने हैं। तो फिर मैं वो बात नई जॉब है, ठीक है, और ऐसे नई जॉब मैं छोड़ दूँ तो मतलब छोड़ दूँ क्या, एक छुट्टी ले लूँ सो दिक्कत हो जाएगी। और इनफैक्ट आज उस पर है स्टोर पे, कॉम्बिनी स्टोर पे, मतलब अभी मैं कॉम्बिनी पे करके आया हूँ, आज रात की जो है वो भी कॉम्बिनी स्टोर पे है। सो और उसी वाले कॉम्बिनी पे जिस दिन बहन को लेने आया था मैं, उस दिन वहाँ की छुट्टी मार दी, तो अब दोबारा उसी को घूमा छुट्टी के लिए। सो वो गलत बात है भाई बहुत ज़्यादा, उससे अगले दिन, क्योंकि उसने मेरे को कहा निकल आगे से कभी, मतलब अब तो चलो कोई नहीं इस मंथ तक जो जुलाई था, लेकिन अब जो अगस्त है ना वो बोल रही है इसमें मैं सुबह आती हूँ 8 बजे, 8 या 9 बजे ऐसा कुछ बता दिया, और शाम फिर अगर तू कह देगा कि एकदम बताएगा ना छुट्टी हो, तो फिर मेरे को तो 24 घंटे करनी पड़ जाएगी। सो इसलिए अगर बताए तो एटलीस्ट एक वीक पहले बता दियो कि उस दिन की मैं छुट्टी लेनी है मेरे को, ठीक है, मगर ठीक है जी। सो अब इसलिए फूजी, बाकी फूजी वगैरह कोई दिक्कत नहीं यार, एक बार गाड़ी खरीद लेता है तुम्हारा भाई, है हो सकता है भगवान की दया से और आप सब प्रे करते हो तो जल्दी खरीद लेंगे गाड़ी, ठीक है। गाड़ी खरीद ली उसके बाद तो भाई कहीं पे घूमने निकल जाओ सुबह सुबह, अब जैसे 6 बजे छुट्टी हो रही है, 7 बजे घर पे पहुँच के 7 बजे निकल जाओ कहीं अपने फ्रेश हो के, 8 बजे निकल जाओ, ठीक है, रात को अपने मतलब दिन ही होता है घूमने का, रात को तो अपने सो जाओ, मेरी ड्यूटी है तो मैं ड्यूटी कर लूँ रात को, सो दिन में कहीं घूम लें तो वो तो गाड़ी के साथ ही पहुँच लो। ट्रेन में कहाँ तक जाएं यार, ट्रेन में महंगी भी तो है, ट्रेन का बहुत ज़्यादा वो भी तो है। अब ट्रेन फूजीसान तक अगर मैं ट्रेन में जाऊँगा सो भाई मेरे तो काफ़ी हज़ारों में वही तक लग जाएंगे, ठीक है, लिफ्ट ऊपर थी तो लिफ्ट से ही चलते हैं। सो चलो अभी मैं पहुंच जाता हूँ एक बार और मिलता हूँ आप सबसे बाद में, ठीक है। और मैं भी आज कुछ करें कुछ ना करें, तो अगर कुछ करते हैं तो ज़रूर आप सबको दिखाएंगे। मेरा वॉलेट में है ये IC कार्ड, चल गया, मतलब ऐसा नहीं है वॉलेट से निकालो
बिना निकाले भी काम चल जाता है, ठीक है। सो चलो भाई मिलते हैं। क्या चल रहा है लाइक? ये होटल से सुन रहे होंगे तुम पुलिस के, दो गाड़ियां तो पुलिस की जा चुकी हैं, यूं पूरी सबको रुकवा के खुद, और एक नॉर्मल गाड़ी जिस पे होटल लग रखा था वो तीन गाड़ियां से जा चुकी हैं भाई। पता ना भाई क्या चलता रहता है। एम्बुलेंस देखिए, पुलिस की गाड़ी पहली बार देखी है कि भाई यूँ, और यूँ भी कौन भगा रहे हैं, आराम तो चला रहे हैं होटल भजा कर। अभी भाई मैं अपने घरवाड़े स्टेशन के पास पहुंच चुका हूँ, अभी यहाँ से घर जा रहा हूँ, एक मिनट में घर पे पहुँचेंगे। और चलो भाई करते हैं थोड़ी देर बात। आज तो खैरा भाई पता नहीं कहाँ आ गया, मतलब इस जगह डोरेमोन वाली वाइब आ रही है। बीच में रास्ते में पुल भी आया था जिसमें लाइक नोबिता डोरेमोन के उसमें दिखाया जाता था। और देखो जैसे वॉशरूम है, गर्ल्स का वॉशरूम है तो सामने डोरेमोन बनी हुई है, बॉयज का वॉशरूम है तो सामने डोरेमोन बना हुआ है। और रुको 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 रुको, शांति करो थोड़ा सा, दिखाते हैं अभी तुम्हें। और भाई ये सामने देखो तुम, ये तुम्हें दिखाई देगा डोरेमोन का एनीवेयर डोर, लाइक सीरियसली। तो भाई मैं इंडिया आ रहा हूँ अभी, आप सभी अपने सभी फैमिली के पास आ रहा हूँ, ठीक है, मिलते हैं भाई। पता नहीं है इस जगह में, देखो उधर भी वो डोरेमोन ड्रामी, ठीक है, उधर भी आके कुछ बनाओ, बट बच्चे क्या उधर, तो मैं क्या करूँ उनको डिस्टर्ब करके, ठीक है। और ये भाई डोरेमोन का गेट मैंने खोल दिया है, ठीक है भाई। इस साइड ये डोरेमोन ही बना हुआ है जिसपे, ये डोरेमोन का वो ब्रेड जो नोबिता ने खा रहा है एक एपिसोड में देखा था ना, बहुत ज़्यादा खा लिया था उसने तो टेस्ट के प्रिपरेशन में। अरे यार यादें ताज़ा होगी भाई आज तो, यादें ताज़ा, मतलब दिल खुश होगा भगवान के साथ। इस जगह में है डोरेमोन वाली वाइब्स लाइक, या उधर भी सामने भी कुछ है आई थिंक, वो उधर बच्चे कर रहे हैं। अच्छा उधर लाइक स्क्रीन में कुछ इंसेक्ट्स हैं, वो जैसे हाथ कर रहे हैं वैसे वो उड़ रहे हैं ऐसे। ओ नहीं, नोबिता डोरेमोन बन गया उधर, ओके वाओ इंप्रेसिव, सीरियसली मज़ा आ गया। ऐसी चीज़ें देखने में मज़ा आता है यार, ठीक है, बच्चा जाग जाता है मन का। और पीछे वो ड्रो कर रखे हैं वो पाइप्स जहाँ पे पार्क में बैठते थे नोबिता डोरेमोन, नोबिता की बहुत ज़्यादा पिटाई होती थी वहाँ। भाई बादल देखो, मतलब कैसे बादल लग रहे हैं, बिल्कुल प्योर वाइट और इतने तगड़े। वो एरोप्लेन जा रहा है, कैमरा पता नहीं अजीब सा हो गया थोड़ा, वैसे दिखा तो अच्छे से रहा है पर ज़्यादा देखो ऐसे हिल रहा है, और पता नहीं पिक्सल्स अजीब सी लग रहे हैं। देखना आज फोन तो मतलब मस्ती लग रहा है, मस्त ही मस्त उस साइड का और ज़्यादा। तो भाई अभी घर वापस आया हूँ और कुछ सामान लेके आया हूँ, दिखाते हैं आप सबसे अभी थोड़ी देर में, ओके। सो पहुँच जाता हूँ भाई घर में, बाकी मौसम बढ़िया हो रहा है, तारा भाई भी बढ़िया है। इसी बात पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, ठीक है, और शेयर करो यार। पिछले दो व्लॉग्स पे कोई वो रिस्पॉन्स मतलब बढ़िया आला दिखाया नहीं यार तुमने, तो शेयर करो यार कति जोर जोर से। जब भी तो यार वो बढ़ेगा ना मन, मन तोड़ो मत तुम, मन बढ़ाओ, ठीक है। तो इतना प्यारा मौसम दिखा दिया थारे भाई ने, तुम तो और क्या सी हैं। तो चलो भाई मैं घर पे जा करता हूँ, मिलते हैं सबसे, एक कोको कोला ले जाऊँ। चलो भाई या ले लूँ मैं कोला, फिर करता हूँ, ओके। कोका कोला के लिए की जगह भाई मैंने ले लिया है ऑरेंज जूस, ठीक है। ये सामने वो लोगी गाड़ी जिसके अलॉयज बहुत ही बेहतरीन है। अरे यार या तो टायर की ऐसी तैसी कर रहे हैं, कैसे ड्राइवर हैं यार। अब ऑरेंज एप्पल गाजर ग्रेप्स मिक्स है, मतलब इसका टेस्ट ये रिकमेंडेड है भाई, मैं पहले भी दिखा रखी मैंने ये ड्रिंक, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू जापान का बाकी चीज़ों का टेस्ट। तो चलो भाई ठीक है, ऐसे बीच बीच में कुछ ना कुछ बातें बताते रहेंगे आपको, और ऐसे ही चलते रहेंगे, ओके। एक्सीडेंट हो गया, टैक्सी और दो गाड़ी के बीच में हो गया भाई एक्सीडेंट, अभी पुलिस वगैरह आ रही है। देखते देखते एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड सब कुछ आ गया।
गाड़ी अभी की एक टैक्सी है, एक हाइएस है और एक निशान कंपनी की है। कौन सी आई थिंक पहली वाली कार की गलती है ऑब्वियसली, पहली कार में कुछ ना कुछ एकदम ब्रेक मारे में मेरी, फिर दूसरी उसमें लगी और तीसरी चलते चलते वो भी लगी। पर भाई बहुत ज़्यादा ट्रकी, मतलब जैसे जापान में देखते हैं ना गाड़ी के स्क्रैच भी नहीं होती भाई, एक तो डेंट या ठुकना वगैरह तो बहुत दूर की बात है। और भाई वो दोनों टैक्सी नहीं देखे मैंने, क्यों वो नहीं शायद इतनी नहीं लग रखी टैक्सी को, पर वो दोनों गाड़ी तो भाई ठुक गई। अब कैमरा थोड़ा हिलेगा भाई, मैं आ गया हूँ लास्ट, मतलब लास्ट कर रहा हूँ, एक ट्रेन है वो हमेशा निकल जाती है यार, सो इसलिए कोशिश है वो आज मिल जाए। काफ़ी रेयर देखने को मिलते हैं एक्सीडेंट वगैरह का जब कहीं, काफ़ी रेयर तो क्या देखने को ही नहीं मिलते, बहुत ही कम। सो बस यही तो है, सब ठीक हो, किसी को चोट वगैरह ना लग गया, बाकी तो कोई नहीं। वो ट्रेन पक्की आज भी निकल चुकी है, तो चलो भाई करता हूँ कुछ देर बाद ओके, घर पहुँच जाऊँ मैं। गुड मॉर्निंग भाइयों, कैसे हो सभी, सुना दो कमेंट बिच, और स्वागत है आप सब कैसे नए व्लॉग में, शायद तो नया व्लॉग स्टार्ट होगा, पुरानी काफ़ी सारी क्लिप होगी यार, तो ध्यान ना रहता कौन से कि क्या चल रहा है, बट अब थोड़ा ठीक करेंगे। अब स्कूल लोग तुमने देखा, और भाई स्कूल लोग मैंने स्कूल की आई थिंक इतनी डिटेल नहीं दी, लेकिन कमेंट अगर तुम डिस्क्रिप्शन देखोगे ना, सो डिस्क्रिप्शन में मैंने स्कूल की ईमेल कॉन्टैक्ट डिटेल एड्रेस सब कुछ दिया है, हर चीज़ का लिंक दिया है, सो आप प्लीज़ जाकर डिस्क्रिप्शन चेक करना, ठीक है। और भाई दुकान एक ये आइसक्रीम ले लिया अपनी फेवरेट वाली, और इसके अलावा दूध ले लिया, और भाई 7 बजे जैसे वो स्टोर खुलता है जिससे मैं लेके आऊँगा, और भाई एग्जैक्ट 7:00 में मैंने एंट्री ली, गेट भी नहीं खुला था हमने, जैसे 7 बजे ही गेट खुले, जैसे ऑटो वाले डोर होते हैं सेंसर वाले अपने आप खुल जाएंगे, सो वो खुला है ना था, मैं उसके देखने लग गया, जैसे शीशे वाला गिलास है, शीशे वाला गेट है, सो वो बोला रुको रुको खुलता हूँ, सॉरी मतलब जो इस बात पर उसने सॉरी कही, यही तो है यार जेपिन। तो भी भाई आइसक्रीम खा रहा हूँ, ठीक है, और भाई ये बंदा अपनी गाड़ी ले जाए तो मैं ऑर्डर मुड़ जाऊँगा, थैंक यू मेरे भाई। सो भाई खा लो भाई आप सब भी, ये वाली चॉकलेट बहुत बढ़िया है कसम से, ठीक है। सो चलो भाई एक बार अब तो मैं घर पर जाऊँगा, आप सीधा ना तो उधर सोऊँगा, क्योंकि थकान हो गई है, नाइट शिफ्ट करके आया हूँ 7-8 घंटे की, 8 घंटे की, ठीक है। सो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, और इंजॉय करो तब तक व्लॉग को भी, और आइसक्रीम तुम भी खाओ भाई मेरी तरफ से, ठीक है। सो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दो तब तक, और मिलते हैं थोड़ी देर बाद ओके, कर दो। तो भाई गुड मॉर्निंग, ये ऐसा नज़ारा इधर का, बारिश हो रखी है, और पता नहीं बारिश से है ना ठंडक नहीं हुई मौसम में, बारिश से लाइक वो होगी एक जो होते हैं ना ह्यूमिडिटी वगैरह जो भी होती है, समझ जाओ मेरा फीलिंग समझ जाए करो तुम, ये मतलब बहुत अजीब सा लग रहा है, गर्मी सी, ठीक है, ठंडक नहीं थी बारिश ने, और काफ़ी दिन बाद हुई है बारिश, और अभी मैं पानी भी ज़्यादा पी लिया मैंने, ठीक है। सो भाई गुड मॉर्निंग सभी भाइयों, कैसे हो आप, सबका स्वागत है इस नए व्लॉग में, आशा करता हूँ सारे राज्य खुशी होंगे, सारे भाई मौज में होंगे। तो आज है भाई संडे, और कल व्लॉग नहीं आया था, जैसे मैं एक दिन छोड़ के एक दिन डाल रहा हूँ, तो कल सैटरडे को मिस हो गया था, सॉरी उसके लिए, आज आ जाएगा, पर संडे है ना आज आ जाएगा। अभी घर जा रहा हूँ भाई, और घर जाते ही सोना है, बिल्कुल जाते ही सोना है, और फिर 2 बजे ड्यूटी पे जाना है दोबारा से, जैसे मैं ऐसे नहीं, मैं हर रोज़ नाइट की शिफ्ट करता हूँ रेगुलर बेसिस पे, बट कल जो मेरी मैनेजर है तेन जो है वो बोली कि निखिल कल दिन की कर लेगा जॉब, तो फिर मैंने हाँ कह दिया, क्योंकि एक दिन जिस दिन मेरी सिस्टर आई थी तो उस दिन मैंने उसको
एकदम मतलब कल सिस्टर आ रही है रात को फ़ोन करके बोल रहा हूँ मेरे को कल की छुट्टी चाहिए। तो उसने मेरे को इतने प्यार से कहा कि ठीक है निकल कोई नहीं जा आराम से ध्यान से जाइयो ध्यान से आना क्यों कहते ने मतलब टेक केयर ने एक तरह से। तो फिर इसलिए वही सोच के मैंने मैं कहा ओके आ जाऊँगा कोई नहीं बोल किस टाइम आ सकता है किस टाइम पे मतलब उस जैसे यहाँ से अब मेरी 6 बजे छुट्टी हुई है तो उसने कहा तेरी 6 बजे वहाँ से छुट्टी हो जाएगी फिर तो मतलब ये भी सेम स्टोर है बस लोकेशन डिफरेंस है सेम ब्रांच है ठीक है। सो बोली कि तो 7 बजे के अराउंड तो घर पहुँच जाएगा वैसे मैं 6:30 पहुँच जाऊँगा मैं कहा हाँ। फिर बोली कि तो कितनी देर तक सोएगा मैम का मैं तो 12-1 बजे भी आ जाऊँगा बोल 12-1 बजे तो सोगा कितनी देर मैं कह रहा मैं कम सोता हूँ मेरी नींद इतनी है 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे इतनी बहुत है और कितना प्यारा पेट है ठीक है मतलब दिल खुश हो जाता है बीइंग अ डॉग लवर ठीक है। रोड चेंज कर लेते हैं एक बार चेंज तो कहा इधर से उधर आ गया ये जिम्मी भाई छोटी सी पता ही नहीं क्या निकाल दी। तो भाई फिर मैम बोली चल 2 बजे आ जाइए तो बोली आ जाएगा ना मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है ना मैम ना आ जाऊँगा बोले कितनी देर तक कर लेगा कब अपनी शिफ्ट जितने घंटे की होती है हर रोज़ की कर लेगा तू मैं कह रे क्या मानती है तू मेरे को वहाँ पे देखो भी सामने ओ भाई साहब लाइक स्काई ट्री आधा आधा ही दिख रहा है दिखिए आधा रहा आधा तो बिल्कुल गायब हो रखा है ठीक है। सो अभी जाके सोता हूँ खाना वगैरह मैंने यहीं पे खा लिया अभी स्टोर पे मतलब वैसे खाना बना पे मिल रहा है लेकिन मैं अभी जाते सो जाऊँगा सीधा फिर 1 बजे उठ के थोड़ा फ्रेश वगैरह होके और फिर ड्यूटी पर जाएंगे फिर रात की छुट्टी और कल मंडे है कल की भी छुट्टी है काफ़ी दिन बाद छुट्टी की शक्ल देखने को मिल रही है। अरे केकड़े अरे देखो भाई ये तो पहली बार देखे मैंने आग देखो इसकी दोनों आँख ओ भाई साहब ये देखो इसका दूसरा दोस्त दो दोस्त आगे गए हैं वाह भाई ये तो बहुत खतरनाक ही है ऐसे मतलब रोड पे तो क्या एक तरह से रोड ही है भाई ये रोड और इधर वो है तो भाई वो तो किसी को काट ले तो उसकी तो जान हलक में आ गई मतलब इसका इसकी बाइट वो होती है ना बहुत ज़्यादा दर्द करती है बहुत ज़्यादा हद से भी ज़्यादा ये इलेक्ट्रिक का वो है चार्जर चार्जिंग स्टेशन चार्जिंग पॉइंट। सो छोटो भाई अभी निकलेगा नहीं अपनी सेफ रहे दूसरों से क्या भगवान सब सेफ रहे ठीक है। सो उधर सामने कोई ब्रिज है आई थिंक जो ऐसे लगा रखा है ठीक है। और भाई इधर हम आ चुके हैं ये स्कूटर हमने चलाया था पहले जिसका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था मतलब वर्थ नहीं है जो इसका प्राइस है 1 मिनट के 15 yen है सो वर्थ नहीं है वो एक्चुअली इसका जो ड्राइविंग का वो नहीं है सिस्टम जो भी है मतलब मज़े नहीं आते चलाने में मेन बात ही है ठीक है। तो ये आगे हुई गाड़ी का ठीक है जीप तो चल गया। सो भाई अभी मैं पहुंच जाता हूँ फिर आगे कंटिन्यू करते हैं मेरे ख्याल से कैमरा थोड़ा गंदा हो रखा है अब फर्क पड़ चुका है। सो भाई मैं पहुंच जाता हूँ घर पे और करते हैं बाद में कंटिन्यू कल आई थिंक मैं फिर से गाड़ी ले रहा हूँ फिर से ठीक है रेंट पे ओके। तो चलता रहता है यार अपना सिस्टम ही ऐसा है ठीक है ऐसे इधर है और ये टैक्सी वाला भाई साहब। सो कल फिर से गाड़ी लेनी पड़ेगी कुछ काम है इसलिए कहीं जाना है इसलिए तुम कह सकते हो घूमने जाना है बट वहाँ की वीडियो नहीं बना सकता कोई और भी साथ में है एक दो दोस्त ठीक है बहन भी है साथ में तो बाकी दोस्त ना होते ना तो मैं वीडियो बना लेता फिर वो कैमरा शाये हैं भाई बहुत ज़्यादा ठीक है। सो ठीक है बाकी गाड़ी तो दिखाई देंगे ओबियसली कोई मैं तो स्विफ्ट मिल जाता मैं तो स्विफ्ट ले लूँगा
ठीक है, और कोई मिलती है तो वो देख लेंगे। हाइब्रिड की पूछूंगा मैं इस बार, कोई हाइब्रिड में है या नहीं। हाइब्रिड वाली चलानी है मेरे को एक बार बस, और तो सारी चला ली, हाइब्रिड बची हुई है। ठीक है, सो अगर हाइब्रिड होगी तो वो ले लेंगे, अदरवाइज फिर स्विफ्ट। हाइब्रिड का ये फायदा है तो भाई पेट्रोल भी कम खाएगी वो, क्यों बचत भाई, बचत बचत बहुत ज़रूरी है। तो तेल भी कम खाएगी, अब जैसा स्विफ्ट है उस दिन वो लगभग 2800 कुछ का तेल डला था भाई उसमें, 2800 या 3800 पता नहीं, वो ध्यान नहीं मेरे को, आई थिंक ब्लॉग में बताया था मैंने। सो एक दिन में वो भी तो गाड़ी लगभग 1500-17000 के अराउंड, 20000 के अराउंड पता नहीं, इतनी कुछ पड़ी थी। ठीक है, कल भी इतने का फिर से खर्चा हो जाएगा, क्या करें यार, पैसे हैं नहीं, खर्चे करते रहते हैं, यूँ ही है भाई अपना सिस्टम है। ठीक है, बाकी भाई एलविश यादव को वोट करो, वैसे तुम ये ब्लॉग देखोगे जब तक तो वो विनर बन ही चुका होगा। ठीक है, तो बाकी कोई चक्कर नहीं भाई, और पता है साल पर भाई कर भी रहूँगा आई थिंक, तो सब बढ़िया है, मैं ऐसा नहीं कह रहा एलविश अकेला बढ़िया, सब बढ़िया है, बट भाई एक फ़ैन बेस होता है। ठीक है, तो एज ए फैन कह रहा हूँ मैं आप सबको, अब इसमें कोई वो मत लेना कि भाई तू इसको सपोर्ट कर रहा है तो उसको, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। ठीक है, सो भाई चलो मिलते हैं बाद में, बाकी कोई चक्कर नहीं ऐसा। यार काफ़ी दिन हो गए ये सेम नज़ारा देखते हो, पता नहीं कब बदलेगा, कल ही बदल जाएगा इनफेक्ट, कल घूमते हैं कहीं पे। अभी लोकेशन का अभी पक्का कंफर्म हुआ ही नहीं है, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, बस यूँ है कल मिलते हैं, एक दोस्त मैं, एक और दोस्त है और एक मेरी सिस्टर है, फिर हम तीन, तो देखते हैं कल कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं, और बाकी बाद में करते हैं कंटिन्यू। एनी टाइम फिटनेस जिम उधर, सो मैं ऐसे टाइम पास करता रहूँगा, तुम भी समझ गए होगे, हाँ भाई ये टाइम पास करें, स्किप मार दो, तो स्किप मत मारो, मैं कट करूँ, अब बाद में आगे ही कंटिन्यू करते हैं। ओके, सभी भाइयों का भाई ये है सोनी कंपनी की लाइक बिल्डिंग, बढ़िया लग रही है वैसे तो। ठीक है, और ये तुम्हारा प्यारा भाई, स्वागत है आप सब पे नए ब्लॉग में, आशा करता हूँ सारे भाई राजी खुशी मौज में होंगे। ठीक है, सो लास्ट ब्लॉग पता नहीं कहाँ कितना कुछ एंड हुआ है, और आज लोग आना चाहिए वैसे तो, बट जॉब 10 बजे तक मेरी, सो होप सो, मतलब जापान के 8:30 इंडिया के 8 बजते हैं जिस टाइम पे ब्लॉग आते हैं, सो होप सो कर रहा हूँ 1.5 घंटे में एडिट कर देता हूँ ये, तो चलो तुम नेक्स्ट देखोगे फिर, नेक्स्ट पता नहीं कौन सा देखोगे, बट होप सो आज मैं डाल पाऊँ टाइम पे, कोशिश तो अब यही रहती है हर रोज़ टाइम पे डाल दो, गाल के सो रखे हैं तो तरह भाई है प्रॉपर। ठीक है, सो भाई अभी जो आवाज़ तो 5 घंटे की थी यार उन्होंने, और कल छुट्टी दे दी थी, सो अब तुम यूँ मत कहना भाई तू कितने घंटे काम करे, कई बंदे कहते हैं यार तू कितना टाइम करता है कितने का, भाई मैं करूँ अपने हिसाब से, कोई चीज़ ऐसी हो अब वो क्या बताऊँ भाई, मैं कोई फिक्स है छुट्टी मिल गई, और इनफैक्ट मैंने नहीं कहा था, उन्होंने खुद कहा कि भाई छुट्टी ले ले, मंडे को रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, आज हाफ डे दे दिया, कल फुल डे दे दिया, पर डे दे दिया, उससे अगले नाइट दे दी, सो इसमें कोई फिक्स नहीं है, इसलिए मैं कैसे बता दूँगा, है ना, तो वही बात समझा रहा हूँ, कोई चक्कर नहीं बताने को, तो फिक्स हो गया बता देना। जैसे पहले स्टार्टिंग में जापान आया था तो मैंने 5 महीने के राउंड 25 घंटे किए हमेशा, पर वीक 28 होते हैं लेकिन मैंने 25 किए, उसके बाद मैंने जॉब चेंज की, वहाँ पे मैंने 27 किए, फिर मैं ट्रैवल वगैरह में लग गया, सो ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो फिक्स है, होता नहीं है या वैसे ज़्यादातर। ठीक है, अब स्टार्टिंग की जो मेरी जॉब थी, जो मैंने आपको व्लॉग में दिखा रखी है यूनिक्लो वगैरह में, जिसमें मैं साइन वगैरह करता था, सो उसमें अगर वही आगे तक कंटिन्यू रहती तो मैं तुम्हें बता भी सकता था भाई 25 घंटे हैं मेरे। ठीक है, सो ऐसे कुछ फिक्स नहीं होता, अगर फिक्स होता है तो भाई को ज़रूर बताएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है,
सो अभी मैं एक बार मैप देख लेता हूँ यार, और ऐसा कुछ नज़ारा है तो भाई एक बार मैं रास्ता देख लेता हूँ, करता हूँ फिर थोड़ी देर में। ओके तो क्या अभी सभी भाई होगा, अभी हूँ भाई मशीन, मतलब बहुत भीड़ भाड़ का स्टेशन है ये, अभी यहाँ से शिंकानसेन मिलती है बोले तो बुलेट ट्रेन, इसलिए भीड़ भाड़ है स्टेशन पे बहुत ज़्यादा, लाइक देखो बुलेट ट्रेन लोग बैठे और ना ही सिर्फ इधर पीछे भी लाइन में बैठे थे काफ़ी दूर दूर तक, सो लोग बैठे अपने बैगों के साथ बैठे हैं रोटे है कि नहीं। तो अभी चल रहे भाई हम जॉब की तरफ अपने पे, अभी 2 बजे से हम जॉब, ठीक है सो वही है ना फिक्स नहीं है कुछ, कल 5 बजे से थी आज 10 बजे से है, और आने वाला जो कल है कल रात को है, तो इसलिए फिर मैं तुम्हें कहता हूँ। तो भाई चलो अभी पहुँच जाता हूँ जल्दी से, बस मिस हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी अदरवाइज, क्योंकि यहाँ से बस की फैसिलिटी है, जो मेरी जॉब है ना बस लेने आती है स्टेशन के थोड़ी दूर है इस वाली लोकेशन की, जो दूसरी जगह है वहाँ पर बिल्कुल स्टेशन से निकलती है, सो थोड़ा सा एक बार जल्दी से मैं पहुँच जाता हूँ फिर करता हूँ आप सबसे कुछ देर बाद कंटिन्यू। ओके तो बाकी ऐसा कुछ नहीं करेगा, ये बस वगैरह जा रही है नीचे, और वो किसी की साइकिल उठा ली भाई, अगर तुम भी कभी नॉन पार्किंग में पार्क करते हो तो ऐसे उठा ली जाती हैं लड़कियाँ, मत लिया करो भाई, ठीक है सो चलो भाई मिलता हूँ। ओके ऐसे ही बीच में टाइम मिलता रहेगा तो करते रहेंगे। तो क्या हाल है सभी भाइयों को, भाई है अभी 11:30 के आसपास का टाइम हो रखा है जिस टाइम पे अपनी वीडियो आती है, बट ड्यू टू जॉब थोड़ा लेट हो गया हूँ, कल वीडियो नहीं आई थी और आज भी अब जा कर सोऊँगा यार, कल दिन में फिर डालता हूँ तो कल रात को तुम्हें 8 बजे दिख जाएगी, ठीक है मतलब जिस दिन तुम ब्लॉग देख रहे हो ये उससे एक दिन पहले की रात का ही अभी लास्ट वाली क्लिप जो है, ठीक है। और भाई हाँ थोड़ा कमेंट में ये बताना कि कितने ड्यूरेशन की वीडियो बनाऊँ व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि ये भी लंबा हो गया 20-25 मिनट के अराउंड का हो गया, ठीक है तो थोड़ा बताना, कई भाई कहते हैं बड़े बनाओ कई कहते हैं छोटे बनाओ, तो अब कमेंट मार देना तुम कि इतने मिनट तक के बनाओ, जो मेजोरिटी होगी मैं उस अकॉर्डिंग फिर उतने बनाऊँगा, ठीक है तो जितनी मेजोरिटी होगी जितने जिस टाइमिंग के लिए कमेंट ज़्यादा आएंगे मैं उस टाइम के अराउंड जो है व्लॉग बनाऊँगा, ठीक है। सो भाई चलो इस व्लॉग को अभी मैं ज़्यादा तो क्या बोलूँ, अभी जॉब से आया हूँ, ठीक है और इससे पहले जो क्लिप देखी थी वो एक दिन पहले की थी, जो 5 से 10 की ड्यूटी थी, आज 2 से 10 की थी, ठीक है और कल नाइट है। सो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा बोलने में वैसा हो रहा है होठ में थोड़ा वो रखा है अच्छा लगा था, सो अच्छा से बोला नहीं जा रहा, ठीक है इसलिए मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में, इस व्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इतना सपोर्ट वगैरह करने के लिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखो, ऐसे ही व्लॉग्स आते रहेंगे, एक आधी बार लेट हो जाता है कोई नहीं बट आते रहेंगे, ठीक है सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अरे ब्लर हो रखा था शायद, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, चलो कोई नहीं लाइक शेयर सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय।